बागवानी का शौक रखने वाले सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नैन, स्वागत करता हूं आपका ब्लूमिंग यार्ड में। मेरे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स का परिवार है, उनके एक खास मेंबर डेरेसिना से आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूं। डेरेसिना के दोस्तों, मेरे पास 3 से 4 वैरायटी है, पर आज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो काफ़ी लंबा हो चुका है, उस पर आज हम थोड़ा सा काम करेंगे। वैसे तो दोस्तों, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में मुझे ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती, पर डेरेसिना का जो साइंटिफिक नाम है वो डेरेसिना ही है। दोस्तों, इसकी तकरीबन 120 वैरायटीज़ आती है, जिनमें से तकरीबन 10 वैरायटीज़ इंडिया में बहुत कॉमन हाउस प्लांट के रूप में मानी जाती है। ये एक तरह की सकुलेंट झाड़ी होती है जो कि एस्पेरिगस फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये माना जाता है कि ट्रॉपिकल अफ्रीका से ये जो प्लांट है वो आया हुआ है। वैसे तो जो प्लांट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसके जस्ट नीचे वाले स्टेप पे भी 5 से 6 प्लांट डेरेसिना के रखे हैं, पर वो एक अलग वैरायटी है। जो वैरायटी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसे सॉन्ग ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है। तो चलिए इस प्लांट पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये है डेरेसिना का वो प्लांट जो हमने अब अरेंजमेंट से बाहर निकाल लिया है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, एक बार मिस्टिंग करने के बाद भी काफ़ी धूल इस पर जमी हुई है। एक सॉफ्ट स्टेम का प्लांट ये माना जाता है, हालांकि जब ये थोड़ा बड़ा होता है तब इसका जो स्टेम है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। और कायदे से तो ऐसे ऐसे सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स को मैंने ग्रो करते टाइम यहाँ से क्लिप कर देना चाहिए था, और उसके बाद मुझे यहाँ से इसकी नई ब्रांचें लेनी चाहिए थी। पर क्योंकि जहाँ पे जिस फ्रंट यार्ड में मैंने इसको लगा रखा है वहाँ पे मैं इसे वर्टिकली ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि काफ़ी ग्रीनरी दिखे कम एरिया में भी, तो कायदे से हटके मैं इसे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से ये स्टेबल नहीं है, जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये ऐसे चला जाता है। और अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके साथ जो फाइकस है ये या तो उसका सपोर्ट ले लेता है या फिर उसके पीछे जाके छुप जाता है। तो आज इस पे हम काम करेंगे। अभी भी मैं इसको वर्टिकली ही ग्रो करने की कोशिश करूँगा, क्लिप अभी भी नहीं करेंगे। इसके जो गंदे पत्ते हैं वो काट देंगे, इसमें खाद दे देंगे, और दोस्तों एक इसमें बांस का डंडा हम डालने की कोशिश करेंगे ताकि इसको एक सपोर्ट मिल जाए। इसके लिए हो सकता है कि हमें प्लांट की जो पूरी रूट बॉल है वो बाहर निकालनी पड़े, और वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि बिना रूट बॉल को छेड़े ही गमले में से लगे लगे रहने दें और जो बांस का डंडा है वो इसमें डाल दें। तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो ये एक सेमी शेड का प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, ज़्यादा धूप ये पसंद नहीं करता। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसे अंधेरे कमरे में रख दें, इसे अनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है जिसमें यह अच्छे से ग्रो करता है। दोस्तों, डेरेसिना की इस वैरायटी के मेरे पास 2 प्लांट हैं, दोनों एक ही साथ मैंने लगाए थे। एक ही जैसा सोइल मिक्सचर उनको मैंने दिया है, फिर भी एक ज़्यादा लंबा चला गया है और एक थोड़ा छोटा रह गया है। इसे ही शायद मदर नेचर बोला जाता है। दोस्तों, जो हमने इसमें डंडी लगानी है, एक विकल्प तो ये है कि हम यहाँ पे आगे लगा लें, पर उससे क्या होगा कि ये जो टहनियाँ हैं ये उसके पीछे छुप जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि प्लांट के पिछली साइड, जैसे कि वो फ्रंट है तो उसके पिछली साइड जो डंडी है वो लगाएंगे, ताकि ये जो टहनियाँ हैं ये सामने से विजिबल रहे। तो चलिए इसका काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों सोइल मिक्सचर की बात करें तो इसे ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए होती है। अगर आपके एरिया की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो उसमें आप एक हिस्सा रिवर सैंड का मिला लीजिए, साथ में 5
फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का एक हिस्सा मिला लीजिए, ताकि जड़ों में फंगस और कीड़ों का अटैक ना हो। थोड़ा सा हिस्सा नीम केक के पाउडर का भी मिला लीजिए। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में इस टाइम विंटर्स ख़त्म हुई है और स्प्रिंग स्टार्ट हुई है। इसे इसके ग्रोविंग सीजन में जाने से पहले हम फर्टिलाइज कर रहे हैं। इस टाइम जो आज हम इसमें खाद देंगे वो सारी ऑर्गेनिक खाद है और पाउडर फॉर्म में इसको देंगे। इसके अलावा मैं इसे साल में दो बार मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र देता हूँ, साथ में हर महीने किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देता हूँ। तो दोस्तों, इसको हमने क्लिप तो नहीं किया, लंबाई में ही ग्रो कर रहे हैं। गंदे पत्ते इसके काट दिए हमने, सपोर्ट इसको दे दिया है। अब टाइम आया इसको खाद देने का। इसके लिए हमने इसकी जो गमले के साथ साथ की मिट्टी है वो खोद के बाहर निकाल दी है। पीछे से नहीं खोद दिया, जहाँ पे हमने लकड़ी लगाई है, हम नहीं चाहते कि लकड़ी दोबारा से गिर जाए, क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं गई है लकड़ी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जो खाद हम इसमें डालेंगे, ये सारी जो खाद है ये ऑर्गेनिक है। ये रूट बाउंड भी होने लग गया गमला, आप देख रहे हैं। तो खाद मैं दिखाता हूँ कि कौन सी डाल रहे हैं। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट डाल रहे हैं हम इसमें, और डाल रहे हैं जी वर्मी कंपोस्ट, ये बोन मील डाल रहे हैं, और दोस्तों ये है नीम केक पाउडर, और ये हमारी नॉर्मल मिट्टी है जो इसी गमले में से हमने निकाल ली है। इस सारे को मिक्स करके इसमें डाल देंगे और ऊपर से फिर एक लेयर मिट्टी की और डाल देंगे। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपने प्लांट्स में कोई भी केमिकल खाद नहीं डालता। जिस मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ और जिस किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, उनके डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फर्टिलाइज़र का जो फोल्डर बना है वहाँ पे जाके भी ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें खाद हमने दे दी है और एक लेयर मिट्टी की ओर डाल लेंगे अभी। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि चारों तरफ गमले की दीवार के साथ साथ डालते हैं खाद, पर इसमें क्योंकि लकड़ी लगी हुई है और इसको हम छेड़ना नहीं चाहते, इसलिए इतना जो हिस्सा है वो हमने छोड़ दिया है, इसमें खाद नहीं डाला है। जो काम हमने इस प्लांट पे किया है, इसके साथ वाले प्लांट पे भी सेम काम हम करेंगे, पर उसको सपोर्ट नहीं देंगे, उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों प्लांट्स पे काम ख़त्म करने के बाद अब इनको पानी दे देते हैं और इनकी मिस्टिंग कर देते हैं। दोस्तों, आज के सनसेट के साथ ही इन प्लांट्स का काम भी ख़त्म हो गया है। कल के सूरज के साथ ये नए सपोर्ट के साथ और नए फूड सिस्टम के साथ ग्रो करेंगे। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद जी।